भाई लोग आज की इस न्यू एपिसोड में आप सभी के लिए iOS इंस्पायर्ड थीम्स लेकर आ गया हूँ। यकीन मानो गाइस, अगर आपके पास पोको एंड रेडमी फोन है ना, तो आपको फोन का होम स्क्रीन, आइकन के डिजाइन, लॉक स्क्रीन का डिजाइन पूरी तरह से चेंज होने वाला है एक iOS फोन जैसा। और हाँ, लास्ट में आप सभी के लिए एक बहुत ही तगड़ा हाइपर ओएस थीम वेट कर रहा है, वो भी iOS वाला। तो उसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो आगे ऐसे ही और वीडियोज को देखने के लिए। बिना देरी किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो पहला थीम है ना, एक बहुत ही बढ़िया iOS इंस्पायर्ड थीम है, और इस थीम की लॉक स्क्रीन में एक खास सेटिंग छुपा हुआ है जो मैं आपको थोड़ी देर में आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले होम स्क्रीन देखो, बहुत ही मस्त यहाँ पर iOS इंस्पायर्ड होम स्क्रीन देखने को मिलता है। और इस थीम के बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर देख सकते हो, ये मैंने अलग से चेंज किया है। इस वॉलपेपर का लिंक आपको मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड करके अप्लाई जरूर करना। और यहाँ पर आइकन्स का डिजाइन भी देखो, बहुत ही अच्छा iOS इंस्पायर्ड आइकन्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ आपको होम स्क्रीन का डिजाइन देखने को मिलेगा। और दिखाता हूँ सबसे अच्छा चीज़, वो है लॉक स्क्रीन के ऊपर। इस थीम का लॉक स्क्रीन देखने में सिंपल लगता है, लेकिन सिंपल मत समझना, अगर ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको iOS स्टाइल कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिलता है, जो काफ़ी प्यारा लगता है, देख सकते हो। तो हाँ, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा iOS इंस्पायर्ड थीम है, जो आपको ट्राई करना चाहिए। और ये थीम मैंने दो थीम यूज़ करके कस्टमाइज किया है। सो पहला थीम का नाम है सनसेट। ये थीम आप थीम स्टोर में सर्च करना, इसको डाउनलोड करना, कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करके जितना भी ऑप्शन आप देख सकते हो सब कुछ टिक करके आपको अप्लाई करना होगा। सेकेंड थीम का नाम है MTX.green। ये थीम भी आप डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करना, जो यहाँ पर आइकन्स का डिजाइन है उन्हीं को टिक करो और पूरा अप्लाई करो, तो ये थीम आपके लिए रेडी हो जाएगा। और हाँ, वॉल पर जरूर अप्लाई करना, तभी आपके लिए एक नया iOS इंस्पायर्ड थीम रेडी हो जाएगा। आई होप ये थीम आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ। इस वीडियो का सेकंड थीम भी कुछ कम नहीं है, और इस थीम के अंदर भी सीक्रेट ऑप्शन छुपा हुआ है, जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। ये देखो इस थीम का होम स्क्रीन परफेक्ट, यहाँ पर आपको iOS स्टाइल होम स्क्रीन देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, बैकग्राउंड का जो वॉल पर है मैंने चेंज किया है, चिंता करने की बात नहीं है। इस वॉल पर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जो आप अप्लाई जरूर करना। और उसके बाद यहाँ पर आइकन्स के डिजाइन भी देखो, कितना मस्त iOS इंस्पायर्ड आइकन्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा बड़े साइज के आइकन्स है, कुछ ऐसा आपको दिखाई देंगे होम स्क्रीन के अंदर जब भी आप इस थीम को अप्लाई करोगे। और दिखाता हूँ इस थीम के सेटिंग्स कैसा है। तो सेटिंग्स भी बहुत ही प्यारा है, सिंपल डिजाइन है, बिल्कुल iOS स्टाइल। जितना भी आप फॉन्ट देख पा रहे हो, जितना भी आइकन्स देख पा रहे हो, थोड़े से बड़े साइज के लगते हैं सेटिंग्स के अंदर, जो आप शायद नोटिस कर रहे होंगे। तो ऐसा कुछ आपको सेटिंग्स देखने को मिलेगा। सबसे अनोखा चीज दिखाता हूँ, वो है लॉक स्क्रीन। जब भी आप लॉक बटन को प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एनिमेशन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन में। और यही नहीं, अगर आप स्लाइड करते हो ना, तो और भी अलग अलग एनिमेशन देखने को मिलता है, जो आप इस तरह से इस थीम की लॉक स्क्रीन को एंजॉय कर सकते हो। तो हाँ यार, मानना पड़ेगा इस थीम की लॉक स्क्रीन में जो विजेट्स के डिजाइन है, जो एनिमेशन है, काफी बढ़िया है। और किसी दोस्त को फर्स्ट टाइम दिखाओगे तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। और ये थीम भी दो थीम यूज करके कस्टमाइज किया है। पहला थीम का नाम है कैप्सूल असेंबली। ये थीम आप डाउनलोड करो और कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करो, जितना भी आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं सब कुछ टिक करके आपको अप्लाई करना होगा। सेकंड थीम का नाम है संगीतिल। तो इस थीम को भी डाउनलोड करो, कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करो, यहाँ पर जो आइकन्स का ऑप्शन है इसको टिक करके अप्लाई करो। देखोगे आपके लिए बहुत ही बढ़िया थीम रेडी हो चुका है। बाकी ये थीम आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना गाइस। ओके, अभी बात करते हैं इस वीडियो का सबसे स्पेशल एक हाइपर ओएस थीम के बारे में, जो लोग वीडियो लास्ट तक देखा है उनके लिए। तो इस बड़े थीम का नाम जानने से पहले, इस थीम का होम स्क्रीन देखो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बिल्कुल iOS इंस्पायर्ड होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आप यूजर स्टाइल देख सकते हो, ये यूजर स्टाइल आप 3 डिफरेंट स्टाइल में चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं चेंज कर पा रहा हूँ। और बेकार में जो वॉल पर है, जाहिर से बात मैंने चेंज किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वॉल पर इतना कुछ अच्छा नहीं था। तो इस वॉल पर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल से। और यहाँ पर आइकन्स भी देखो, कितना बढ़िया बिल्कुल iOS इंस्पायर्ड आइकन्स देखने को मिलता है। और कोई देख कर बोल ही नहीं पाएगा कि आप एक एंड्रॉइड फोन यूज़ करो, बहुत ही बढ़िया तरीके से होम स्क्रीन मॉडिफाई हुआ है, जो आप देख सकते हो यार। और हाँ, सबसे तगड़ा चीज़ दिखाता हूँ इस थीम का, वो है लॉक स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस, इस थीम का लॉक स्क्रीन देखने में बिल्कुल सिंपल लगता है, बट जैसे ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको न्यू डिजाइन वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जो आप देख पा रहे हो। ओवरऑल बात करें, ये मुझे एक परफेक्ट iOS स्टाइल थीम लगा, जो आपको अभी ट्राई करना चाहिए आपके रेडमी एंड पोको फोन में। इस थीम का नाम है सुप्रीम मैक्स। इस थीम का नाम सर्च कर सकते हो ऑफिशियल थीम स्टोर में, बिल्कुल फ्री में इसको डाउनलोड कर पाओगे। फिर भी अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आता है तो तुरंत कॉमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो गाइस, ये तो कुछ iOS इंस्पायर्ड थीम जो आपके हाइपर ओएस फोन में ट्राई कर सकते हो, यानी कि रेडमी एंड पोको फोन में ट्राई कर सकते हो। अगर आपको और भी कुछ खास iOS इंस्पायर्ड थीम ट्राई करना है तो लेफ्ट साइड वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको न्यू हाइपर ओएस थीम ट्राई करना है तो राइट साइड वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।